हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते आईटीआई पे। एक नई शुरुआत, नई स्टार्टिंग लेकर के मैं आया हूं आप सबके लिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले बच्चों के लिए जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं उनके लिए, साथ में जो आईटीआई किए हैं आरएसी ट्रेड से उनके लिए भी। रेलवे का टारगेटेड बैच है ये, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्री में क्लासेस डेमो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लासेस आप हमारी देखिए। बाकी ज्वाइन करना हो तो आप ये फुल बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, साथ में टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये दोनों चीजें भी मैं दे रहा हूँ, तो जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 699 रुपए है, जाकर के जल्दी से आप लोग जुड़िए। हम लोग क्या बात करेंगे आज? आज बात करेंगे हम लोग आरएसी सिलेबस, है ना। अगर आप लोग मैकेनिकल ट्रेड से हैं, है ना, डिप्लोमा या बीटेक है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भैया आरएसी में क्या लिमिटेड सिलेबस है रेलवे के लिए। और आप लोग आईटीआई किए हैं तब तो आपके लिए ये बैच है ही, एक सिलेबस आपको पढ़ना ही है। तो देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है। स्टार्टिंग से देखिएगा, सबसे पहले जो आपका एएलपी एग्जाम है, जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा सा बता देते हैं, वो आपका टू स्टेज में होता है ना। स्टेज वन और स्टेज टू, है ना। स्टेज टू में पार्ट नंबर ए और पार्ट बी, क्लियर है। तो पार्ट ए के बारे में आपको पता होगा 100 नंबर का रहेगा, पार्ट बी कितना रहेगा 75 नंबर का रहेगा, स्टेज वन कितना रहेगा 75 नंबर का रहेगा। पहले स्टेज वन हो जाएगा, एक डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आएगा, लगभग सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं। अगर 26 से 27 नंबर आप इसमें ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे 75 में, ये आप क्वालिफाई करोगे। देन दूसरा एग्जाम होगा एक डेढ़ महीने बाद, वहां पे क्या होगा, पार्ट ए, एक ही साथ ये पार्ट और पार्ट ए भी दोनों खुलेगा। पहले पार्ट ए वाला ऑप्शन खुलेगा, वहां पे आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, साइंस रहेगा, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप जाकर के देख लेना। जो पार्ट बी वाला सेक्शन रहेगा वहां पे आपको आरएसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आरएसी से। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्रेड थ्योरी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, तो आपसे उम्मीद मैं यही करूंगा कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल रही हैं, उस कंटेंट पे भरोसा करिए, मस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और आकर के हमको मिठाई खिलाइए सिलेक्शन लेने के बाद। अब हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे लोको पायलट में या टेक्नीशियन में, डायरेक्ट गेट में आप एंटर कर जाएंगे, क्लियर है। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ट्रेड परिचय पढ़ना है, यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना। आरएसी है क्या, आरएसी ट्रेड क्या होती है, कितने वर्ष का कोर्स होता है, ऐसे भी सवाल पिछली बार पूछे गए थे 2018 में, कितने साल का कोर्स है, आईटीआई क्या है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। डिप्लोमा बीटेक वाले भी थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हैंड टूल, हस्त औजार, बेसिक बेसिक कॉमन टूल हैं, जैसे कि कटिंग टूल है, मार्किंग टूल है ना, हेक्सा ब्लेड हो गया आपका, पंच हो गया मार्किंग के लिए, स्क्राइबर हो गया, और साथ में स्ट्राइकिंग के लिए आपका हैमर्स हो गया, अलग अलग प्रकार का, क्या क्या अंतर होता है उन सब में। तो कुछ हस्त औजार यानी कि हाथ में लेकर के चलाने वाले टूल जो आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सीट मेटल, धातु चादरण कार्य, पतली पतली सीट होती हैं, पतली पतली चादरें होती हैं, उनको कैसे मोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कैसे काटना है, इसके बारे में भी आपको समझना होगा। मौलिक विद्युत, अब रेफ्रिजरेटर चलाना है भैया, एसी चलाना है, तो बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। तो मौलिक विद्युत बहुत छोटा सा है चैप्टर, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इलेक्ट्रिशियन में। इसकी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप एक बार जा करके चेक कर लेना कैसे कैसे क्या आपको पढ़ाया जाता है। विद्युत मापक यंत्र, जैसे एमीटर हो गया, ओममीटर हो गया, है ना, करंट वगैरह मापने के लिए वोल्ट मीटर हो गया, तो उन यंत्रों के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वेल्डिंग पढ़ना पड़ेगा, सोल्डरिंग पढ़ना पड़ेगा और ब्रेजिंग पढ़ना पड़ेगा। तो वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, कहने को तो तीनों एक ही चीजें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। ये ढूंढ ढूंढ के आप पढ़ लेना कहीं से, आप हमसे नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई भी किताब लेना, ये चैप्टर होना चाहिए। और एक बात मैं आपको ध्यान दे दूं, याद दिला दूं, कॉमन कोई भी बुक नहीं लेना आप, पता चला कि मैकेनिकल ग्रुप की आप बुक लेके पढ़ रहे हो, नहीं, आपको आरएसी की ही बुक लेनी है। और आरएसी के लिए कौन सी बुक है, बढ़िया बुक है, हमने वीडियो डाला है चैनल पे, आप ढूंढ लेना आपको मिल जाएगी। उसके बाद बेसिक रेफ्रिजरेशन समझना है कि रेफ्रिजरेशन है क्या, है ना, रेफ्रिजरेशन का इतिहास क्या रहा है, कैसे इंसानों के दिमाग में आया कि पानी को ठंडा किया जाए, है ना,
खाने को हम लोग ठंडा करके कैसे रख सकते हैं, ये कैसे इतिहास बना, इसकी क्लासेस डली हुई हैं, प्रॉपर थ्योरी देखिएगा चैनल पे हमारे। तो बेसिक रेफ्रिजरेशन आप पढ़ लेना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको पढ़ना है अलग प्रकार का, फिर फास्ट फ्री रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, फिर अब रेफ्रिजरेशन के पार्ट में एसी और फ्रिज में ये सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया जो तरल जो चारों ओर सर्कुलेट होता है इन सब डिवाइसों में, इसके बारे में पढ़ना है। रेफ्रिजरेंट भैया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जान है हमारी, शरीर में खून है, रक्त है, बह रहा है, उसी प्रकार से एसी और फ्रिज के लिए रेफ्रिजरेंट इंपॉर्टेंट होता है। थर्मल इंसुलेशन, कहने का मतलब यह है कि हीट जो है, ऊष्मा जो है वो इंसुलेटेड हो जाए, एक से दूसरी जगह जा ना पाए, रोका जा सके उसको। फिर अलग अलग प्रकार की एसियां, जैसे विंडो एसी है ना, विंडो एयर कंडीशनिंग यानी कि विंडो एसी, विंडो एसी, इसके बारे में, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, स्प्लिट एसी के बारे में समझना है, इन्वर्टर एसी के बारे में समझना है, अलग अलग प्रकार के डिवाइसें हैं। उसके बाद कॉमर्शियल कंप्रेसर पढ़ना है, रिसीवर पढ़ना है, कूलिंग टावर पढ़ना है, वाटर ट्रीटमेंट भी पढ़ना है आपको, जल उपचार भी पढ़ना है, क्लियर है? क्योंकि भैया आप पानी ठंडा करने वाला वाटर कूलर भी तो लगाओगे, वो भी तो मेंटेन करोगे आप रेलवे में जाओगे तो, उसके साथ में पंप और ब्लोअर पढ़ना है, एक्सपेंशन वाल्व पढ़ना है ना, ये फिर रेफ्रिजरेटर का ही पार्ट होता है एसी का ही। फिर एवोपरेटर पढ़ना है, वाटर कूलर पढ़ना है, डीप फ्रीजर पढ़ना है, कोल्ड स्टोरेज पढ़ना है, साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ टास्क है, मैं करवा दूंगा, क्लियर है? यूट्यूब पे भी मैं करवा दूंगा भाई। उसके बाद सेंट्रल एसी के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल एसियां बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह पे आपने देखा होगा लगी रहती है ना, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे तब। डक्ट के बारे में पढ़ना है, पैकेज एसी पढ़ना है, कार में भी एसी लगी होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है? फिर मोबाइल एसी पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपको क्या करने हैं सर, कवर करने हैं। ये सारे चैप्टर आपको जहां मिले, जो टीचर पढ़ा रहा हो आप उसे कवर कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए। यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस हैं, वहां से अभी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी कंप्लीट चाहिए आपको, टेस्ट भी चाहिए है ना, टेस्ट चाहिए, हमारी नोट्स चाहिए, तो हमारा ऐप अभी डाउनलोड करें, ठीक है? फिट आईटीआई नाम से भी ऐप है, फिट आईटीआई भी हमारा ही संस्थान है, और नमस्ते आईटीआई तो आपका है ही, आप लोग प्यार दे ही रहे हैं इस पे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप चाहें तो इस बैच में आप लोग इनरोल हो सकते हैं, ठीक है? बाकी किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, कुछ हमसे पूछना हो, कुछ बात हो जो छूट गई हो यहाँ पे, तो ये हमारा नंबर है 7800366021, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप करोगे तो मेरा नाम अभिषेक है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाओगे, ठीक है? मैसेज पे फोन उठाना सभी का संभव नहीं होता है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, किसी प्रकार कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।